उत्तर मध्य कर्मचारी कल्याण आगरा मंडल के द्वारा दिव्यांग रेल कर्मचारियों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ। मंडल रेल प्रबंधक ने 21 दिव्यांग रेल कर्मचारियों को स्कूटी वितरित की। रेलवे के द्वारा कर्मचारियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए लगातार काम किया जाता है। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी कल्याण द्वारा दिव्यांग रेल कर्मचारियों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम रखा गया। पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन आगरा कैंट स्थित गोवर्धन स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर मंडल रेल प्रबंधक मौजूद थे। इसके अलावा तमाम रेलवे अधिकारी मौजूद थे। मंडल रेल प्रबंधक और अपर मंडल रेल प्रबंधक ने सीनियर DPO के साथ मिलकर सभी दिव्यांग कर्मचारियों को स्कूटी वितरित की। सभी के चेहरे खिले हुए थे, सभी उत्साहित थे। करीब 21 लोगों को स्कूटी दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे वेलफेयर विभाग की तारीफ की। आगरा मंडल की तरफ से स्टाफ बेनिफिट फंड के माध्यम से हम लोग कई कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। अभी पूर्व में हम लोगों ने इनको हवाई यात्रा के माध्यम से केरल में भी एक शिविर आयोजित किया गया था, उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें 50% कंट्रीब्यूशन उन एम्प्लॉयज़ ने दिया था, बाकी 50% कंट्रीब्यूशन स्टाफ बेनिफिट फंड की तरफ से दिया गया। तो इससे हमारे जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं, दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनको अपना कार्य तथा ड्यूटी को निष्ठापूर्वक और अच्छे तरीके से करने में मदद मिलेगी। सीनियर डीपीओ सनत जैन ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि किस तरीके से उनका विभाग कर्मचारियों और उनके परिवार के हित में काम कर रहा है। तमाम काम अब तक आगरा मंडल के द्वारा कर्मचारी और उनके परिवार के लिए किए जा चुके हैं। स्कूटी वितरण भी उनमें से एक है। स्कूटी पाने वाले दिव्यांग रेल कर्मचारी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे और रेलवे का आभार भी जता रहे थे। अभिनंदन करता हूँ। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा उद्यम है। रेलवे का मानना है कि संतुष्ट कर्मचारी ही उनकी संपत्ति है। रेलवे अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं कर्मचारी हित निधि के माध्यम से संचालित करती है, जिसमें चिकित्सा देखभाल, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता का अनुदान, रेलवे कर्मचारियों के लिए मनोरंजन संस्थान एवं क्लबों का प्रावधान, इसके अतिरिक्त मुख्य पर्यटन स्थलों पर अवकाश गृहों की स्थापना आदि प्रमुख हैं। आगरा मंडल में गत वर्ष में कर्मचारी कल्याण निधि से लगभग 76 लाख रुपए का व्यय किया गया है, जिसमें लगभग 150 कर्मचारियों के बच्चों को 27 लाख रुपए स्कॉलरशिप, होम्योपैथिक चिकित्सकों को 9.5 लाख रुपए मानदेय, प्रशिक्षा केंद्र बनाने में 1.5 लाख रुपए एवं कर्मचारी शिविर, चश्मा अनुदान, दाह संस्कार राशि हेतु लगभग 47 लाख रुपए का व्यय किया गया है। अच्छा लग रहा है, रेल ने हमारे बारे में काफ़ी कुछ सोचा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग ये है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने आप स्कूटी स्टार्ट की और अपने गंतव्य पे, अपने ऑफिस जहाँ पे भी हमारा वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से। तो ये हमारे लिए रेल ने बहुत अच्छा सोचा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। सेवला स्थित आनंद होंडा के ओनर भी मौजूद थे। वे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे। उनका कहना था ये उनका सौभाग्य है, उनकी सेवा ली गई है। उत्तर मध्य रेलवे के सब अधिकारियों का बड़ा शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आनंद जी होंडा की तरफ से स्कूटी वितरण कार्यक्रम संपादित किया गया। इस पुनीत कार्य में हमारे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेल कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए बाकायदा रेलवे का एक विभाग है, वेलफेयर विभाग। इस विभाग के माध्यम से कर्मचारियों और परिवार के लोगों की मदद की जाती है। इतना ही नहीं, समय समय पर यात्रा पर भी लिया जाता है, विदेश यात्रा तक कराई जाती है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।